में आया था, एक नदी बह रही थी, तो मैंने सोचा कि एक बार यहाँ से जंप मारूंगा नीचे की तरफ। रेडी गाइस, 3, 2, 1। भाई श्रीनगर में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम श्रीनगर में पहुंच गए थे। अबे यार, ये कॉपीराइट दिलवाएंगे। दिल झूम झूम सुन रहे हैं। 2004 में रह रहे हैं भाई, हम 2003 में हैं। हमारा ब्रेकफास्ट आ गया। उप्स, मैंने ज्यादा अपने बॉडी का प्रदर्शन कर दिया। अपन क्या करेंगे, जल्दी से तैयार होंगे और आज हम निकलेंगे पहलगाम। बाकी का दिन आज बहुत बढ़िया रहा है। जितने लोग फंसे हैं सब चंगे हो जाए। तो भाई तैयार होते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर में। भाई कहाँ रह गए यार वाले मुंह में? भाई मोमिन भाई, मोमिन भाई भी आ रहा है अपने रास्ते में है। ओके भाई, फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी बगलैंडी के। तो भाई हम हो गए रेडी। तुम्हारा भाई हमेशा की तरह बहुत सेक्सी, दूसरे भाई की तरह। मेरे काला टीका नहीं लगा। अब मेरी मम्मी है भी नहीं काला टीका लगाने को, तो मैं काला टीका लगा लेता हूँ। नो एज, मेरे भी लगा दियो। गाइस जा रहे हैं पहलगाम। बाकी मेरी आईज गेजी लग रही सेक्सी। मेरी आंखों वो मेरे आंखों में भी काला टीका लगा, अगर आपको दिख रहा हो ब्लैक कलर का बीच में। वेलकम बैक। कहाँ जा रहे भाई हम? हम जा रहे पहलगाम और ठंडी हवा लेने और ठंडा पानी। ठंडा थोड़ा होगा ठंडा। भाई अब हम जा रहे हैं पहलगाम की ओर। अरे निकल रहे हैं, भाई भी आ गए हैं। अपना जूते वूते पहनते हैं ना। मेरा वो दे देना भाई, और ये रख लो तुम अपने पास सामान की लोडिंग होते हुए। भाई अपने यहाँ पे दलदल है, तो मैं इसको डेर देता हूँ। जाओ और दलदल में अपनी धसवाओ, जाके धस जाओ। जाओ है दम, है ही दम, है हिम्मत। चलो चलो, हाथ क्यों पकड़ रहा है अभी? यहाँ से तो गिरेगा नहीं ऑब्वियसली, इतने चौड़ा वो है। भाई यहाँ पे तो नहीं है दलदल, खैर यहाँ तो पत्थर है। ओह शिट भाई, बहुत सारे सिपाही आ रहे हैं भाई। भाई ऐसा तो नहीं ना, उनकी वीडियो नहीं बना सकते। भाई आ गए हम गाड़ी में, भाई के साथ जा रहे हैं। बाकी भाई ने बहुत, एक कुत्ते ने रास्ता काट दिया। भाई ने बहुत शुभ बात बोली कि हमारे 10,000 मिलियन सब्सक्राइबर। तो उसमें काम चलेगा ना भी, वैसे तो इसके गेंडर में है रोड। वो वाज नॉट फनी भाई। कितनी देर में पहुंचेंगे हम? बस हम पहुंचेंगे भाई 3 घंटे। हमने लेट तो नहीं कर दिया? हाँ थोड़ा सा लेट। भाई प्लीज जल्दी करवा दो इस काम। अब तुम साए कर दो ताकि हम जल्दी पहुंच जाए। आज तो 30 मिनट का व्लॉग बनाऊंगा, 55 मिनट का व्लॉग बनाऊंगा कश्मीर का। और ऐसी चीज लगेगी ना, तुमको भी मजा आ जाएगा भाई। बाकी मेरे बाल कैसे लग रहे हैं गाइस? पंकज व्हाई सो सैड? तुझे पता अगर कोई सैड होता है और मैं सेकंड पर्सन आके उसको सैड बोलता है तो उसको क्या कहते हैं? सैडिस्ट। भाई चावल देख लो ये रहा। भाई ये नहीं, ये अच्छा सर चावल की खेती। मुझे लगा तुम पंकज को चावल कह रहे हो। भाई चावल की खेती देख लो कितनी प्यारी लग रही है। भाई यार गलती से तुम अगर ये गलत बता दिया ना, ऑडियंस मेरी मारेगी भाई। चावल है भाई, गाड़ियां उधर जा रही है, पर ट्रैफिक इधर क्यों रुक रहे हैं पता है तुम्हें? क्यों बताओ भाई, कहीं यहाँ से हम डिवाइडर पे चढ़ा के उधर ना पहुंचे। यही हुआ था पिछली बार याद है? अच्छा यही हुआ, यही हुआ था। ऑडियंस पूरा गाड़ी भाई, वो नहीं होता। चार एमसीक्यू में चार ऑप्शन देते, किसी गलती से टिक करके आ जाते, छमा के जाते हैं बॉस। भाई आप देख सकते हैं कितना प्रिटी माहौल होता जा रहा है धीरे धीरे। भाई कह रहे धीरे धीरे चेंज होता है, एक सेकंड का वो बंद कर देता हूं। धीरे धीरे भाई कह रहा बहुत बढ़िया बढ़िया मौसम होता जाएगा और बहुत बढ़िया बढ़िया इशारे नजारे दिखते जाएंगे। खुली हवा हो खुला समा, जागे हुए हो सब अरमा। बेबी बेबी बेबी, ये तो शो ऑफ कर रहा है यार, और कुछ नहीं है। अपना हाथ बाहर निकाल, जैसे कैमरा बुरा इसने हाथ बाहर निकाल ली कि आई एम इन द मोमेंट ब्रो। चलो ठीक है कोई नहीं है। अब इन गाड़ियों को गिनो कितनी होगी। 2 तो नहीं रहने के लिए, 7 मैं भाई सनरूफ, बाकी बड़ी आई ना लिट्टू बड़ी लग रही है। भाई की शादी की बात चल रही है, नेक्स्ट लेवल की तार है भाई। गाड़ी अगर एक बार चढ़ गई ना इस पे, टायर नहीं फटेगा, निकल जाएंगे। वैसे तो सीधा ऐसी कोई चीज नहीं है ना, तार निकल जाएगी। जेसीबी लेंगे। बाइक संतरा दे दो, एक संतरा, एक संतरा दे दो, फेंको भाई। संतरा में अच्छा लगा, भाइयों ने मुझे खिलाया भी नहीं तब भी मुझे बोलना पड़ा कि संतरा अच्छा लगा। भाई संतरा लेने के गए, भाई का इंतजार कर रहे हैं, आ गए। रोक दो गाड़ी, इनके आगे लगा दो दिल्ली वालों की तरफ। यार किधर ठहरे? ठहरते तो नहीं हम, ठहरे नहीं भाई हम, कहीं आगे निकलते गए। अभी जन्नत में कश्मीर में आया ना, तो पूरी जन्नत घूम के जा रहा। भाइयों के लिए लेके जा रहा हूँ, इन्होंने मेरे को दिया नहीं, मैं एक भी नहीं दूंगा। भाई करते करते इस्लामाबाद आ गए हम यार, लेकिन इंडिया के है ना।
पाकिस्तान का इस्लामाबाद नहीं है, इंडिया का इस्लामाबाद में पहुंच गया अपन। प्रोहिबिटेड एरिया, यहाँ पे हम सेव नहीं तोड़ सकते, बट हम इन्हीं कामों के लिए बने हैं। जो चीज़ हम नहीं कर सकते वो हम करेंगे। तो खूब सेव है भाई, ये तो खुद परमिशन ले रहे हैं। क्या चीज़ ले लें? क्या ले लो, ले लो। अच्छा बस ले लो, मगर हाथ नहीं लगाना इसके साथ, अंदर नहीं जाना। बिना हाथ लिए, बिना हाथ लगाए कैसे लेंगे? अबे लाल लेना, ये क्या ले रहा है तू? ग्रीन एप्पल लाल वाला। अरे ये क्या फायदा तो वहां मिलेगा, पेड़ से देखो निकल गया। पेड़ से ले लें, उधर से पेड़ से ले लो। आ जाओ, लेकिन काटना नहीं, हाथ में लगाना सिर्फ। ठीक है, एक तोड़ के फिर जाकर रख देंगे यहां पे। ठीक है भाई, आओ भाई। हमें वहां से भगा दिया यार, हम दूसरे गार्डन में आ गए। उन्होंने कहा कि हाथ मत लगाओ, ले लो, लेकिन बिना हाथ लगाए कैसे लेंगे यार। भाई दिस इज ग्रीन एप्पल, कच्चे नहीं है। द ब्यूटी ऑफ यूनिवर्स भाई, ये प्री वेडिंग शूट चल रहा है जैसे। और माय गुडनेस, खा सकते इसको? नहीं नहीं नहीं, इसे मत खाओ। ओ एडम्स एप्पल, अब तुम्हें पता लग गया भाई। सच में यार, कसम से अलाउड नहीं। चलो भाई, हो गया है ना, गुड बॉय भाई। ज्यादा तोड़ा ताड़ी ना करें भाई। जो आपको पेड़ दिख रहे हैं ना, सारे के सारे सब अप्लेश हैं भाई। लग गया ना अगर मेरे उठ अबे यार शिट, ये क्या करवा रहे हो मुझे भाई? इनके बीच में चले जाऊं? सींग को नहीं मारेंगे? नहीं नहीं, पक्का नहीं मारेंगे। गाइस प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा है, है ना भाई? देखो एक नंबर की भीड़ है यार। तुम भी वो व्हील ले रहा था। अरे ये कौन है? ये तो कॉपी है भाई, ये नहीं है वो भाई। पहलगाम पहुंच गए हैं क्या ब्रो? यस ब्रो। पर्ची लेनी पड़ेगी क्या हमें यहाँ से? भाई ये रहा पहलगाम भाई। अगर आपको ये नज़ारा दिख रहा हो ना, तो इसे देख लो, क्योंकि ऐसे नज़ारे ना बार बार देखने को नहीं मिलते भाई। उस ब्रिज पे जाएंगे अपन, वहाँ से रास्ता है उसका नीचे जाने का, और बीचों बीच खड़े हो जाएंगे। फिर आपको वहाँ से बात सुनाता हूँ इस ब्रिज की, सॉरी पानी की। अभी एक पत्थर पे टिका हुआ है, और ये पत्थर कभी ना कभी तो इन लहरों से टूटेगा, ये कभी ना कभी तो टूटेगा इन लहरों से भाई। वाह, उनके बीच में चले जाना जैसे पागल है। पंकज लगेगी साले, एक तो छाती में पैर रख के निकल जाएगा तेरे। ओ भाई ओए, कोने पे आ गए तो। अबे कहा भाई? वो क्रोकोडाइल काट लेगा, क्रोकोडाइल काट लेगा। हाँ भाई, हवा भी चल रही है, हवा के साथ साथ। तो ये जो नज़ारा आप देख रहे हो ना, ये वाला ये सिर्फ जन्नत में देखने को मिलेगा। जन्नत कहाँ है? कश्मीर में। तो गाइस पहलगाम में आए थे, एक नदी बह रही थी, तो मैंने सोचा कि एक बार यहाँ से जंप मारूंगा नीचे की तरफ, तो एक जंप भी। चलो रेडी है? बस नहीं, बस अच्छा जिंदा है भाई। अभी पहलगाम भाई ने बोला था 15 मिनट, 1 घंटे पहले भाई। मजाक नहीं भाई, मजाक नहीं, मजाक नहीं। भाई अपन पहुंचने वाले हैं, कितना किलोमीटर रह गया भाई? 0 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 200। भाई एक्साइटेड है थोड़ा सा, बट कोई नहीं गाइस, तो एनर्जी डाउन है भाई। एनर्जी को ना वापस शुरू कर रहे हैं, सस्टेन कर रहे हैं एक्चुअली, खत्म तो हुई नहीं है भाई। फाइनली हम पहुंच गए हैं आरू वैली। पहलगाम के अंदर है आरू वैली, अपने भाइयों के साथ फोटोज वगैरह खिंचवा लिए। लेकिन ये नज़ारा अगर आप देखोगे ना, वैसे तो सारे नज़ारे बहुत ही बढ़िया हैं सुबह से देखा जाए तो, बट पहलगाम में ये वाला जो इलाका है ये बहुत ब्यूटीफुल है भाई। फोटो खींचनी है? अच्छा अच्छा, चश्मा। जब लोग अपनी अपीयरेंस पे शक हो तो चश्मा पहन लो, और शक खत्म हो जाता है। शक मैं तो धूप की वजह से पहना था, मैं थोड़ी फोटो खिंचवाने के लिए पहनता हूँ चश्मा। वो तो मेरे से आ जाता है गलती से चश्मा उसके अंदर, मेरी अपीयरेंस का कोई। आ जाओ, वो 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 ब्रो, HD स्लो मो, बहुत चलते ना, जाओ जल्दी और भागो। फिर मैं जूम करके बनाऊंगा यहाँ से, ऐसा करके टाप के चले जाओ ना, बात ही कर। साले पागल है क्या? कभी पता लगे पाकिस्तान हो जो कुत्ते, पाकिस्तान में छोटी सी जाली लगा रखी है। तुम तो बढ़िया लग रहे हो लेकिन दूर से भाई। लैवेंडर्स कहाँ है? ये छोटे छोटे साले लैवेंडर्स बता रहा है फंगस को।
पंकज कह रहा हूँ आज ऊपर जाने के लिए क्या होगा, वीडियो बनाएंगे वो यहाँ बना ना वहाँ ज्यादा अच्छा लगे वो यहाँ। और इसमें क्या डिफरेंस है, सुनो 100 मिलियन भी आ रखे, 200 मिलियन भी आ रखे, 300 मिलियन भी आ रखे, 400 मिलियन लेते हैं ऊपर जाके क्या होएगा उधर से। पंकज वो वाली चीज कर ले जो तालकटोर में ऐसे कह रहे थे नीचे घूमते रहेंगे, ऊपर जाते हैं तीनों भाई घूमते हुए नीचे आते, ये ऊपर जाके हम क्या करेंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा जो अच्छा कितना बढ़िया लग रहा है ये भाई। बॉयज आखिरकार मुझे पत्थरों पे ले आए हैं भाई, अद्भुत दृश्य आ रहा है जो बात है। ऊपर हाँ इधर आ जा ऊपर ने कूद लू कह रहा है, यहाँ से यहाँ कूदना नीचे लग जाएगी, ऊपर ऊपर कूद लूंगा और वहीं ठहर जाऊंगा। क्यों भाई राहुल को इकले इकले की फोटो चाहिए, पंकज को धक्का मार दिया इकले। आ जाओ भाई इधर खींचता हूँ, चल पंकज यहाँ आ जा। क्या हो गया, चल भाई ओ भाई इसकी फोटो तो इसकी आएगी यार, ऐसे खींचो ना। खींच रहा हूँ, निकाल ली मैंने एक फोटो, ऐसे खींचू रुक जा हो गया, इसके अंदर फोटो भी खींचती है। चलो चल, क्या तूने जो पत्थर फेंका है ना मेरे कान के पास से निकला है, कान को छू के। अब एक पत्थर ये और एक पत्थर जैसे तू पेट मोटा। चलो आपको आपकी खींचनी है फोटो, नहीं खींचनी जल्दी खींचो और नीचे आओ। चलो थ्री, ये क्या चिपक गया पता नहीं, मेरे लैवेंडर चिपक गए मेरे। बॉयज अपना खुद का फोटो सेशन करते हुए, क्योंकि हम उनकी फोटो नहीं खींच रहे क्योंकि हम अपनी फोटो खींचते बिजी थे। कुएं में आप जाओ और पानी निकालो, जब तक यहाँ पे काम करो आप कुएं में कूद जाओ और आप कुएं के मेंढक बन जाओ, क्योंकि भाई हमें तो समुद्र से मतलब है, हम तो वो बूंद है जो समुद्र में जाती है। क्यों भाई कुएं के मेंढक बन के क्या फायदा भाई, बोलो। बूंद बूंद सागर बनता है, क्यों सागर पीछे कूदने वाले बंदे कहाँ हैं भाई, पकड़ ले एक बार भैंस गया क्या बोल के चला गया मुसाफिर मुसाफिर चला ही गया फिर। लेट्स गो ब्रो, नो मोर टाइम वेस्टिंग ओवर हियर। आप इसके बाद कहाँ जाएंगे भाई, कहाँ जा रहे हैं ऊपर भाई, इतनी जल्दी नहीं यार भाई राइट भाई हम लगा दिए। पंकज कह रहा था कि हम लोगों के साथ में कभी फोटो नहीं आई, तो मैंने कहा 2029 में मून पे लेंगे फोटो भाई सारे एक साथ। पंकज कहने लगा मौका है वारदात पे कि भाई क्या पता तब तक बचे ना बचे तब सब हम, तो मैंने एकदम से ही बोला कि हमारा तो ठीक है जाहिद खान भाई कल किसने देखा है, तो कल ले लेते हैं ना, देखा है ना आज ने, चलो आज ने भी देखा यार, परसों ने पलट के देखा कल दिख गया भैंस की, बड़े बड़े साइंटिस्ट की वो हो गई भाई, ऐसे आ गई तो आ गई, ऐसे आ गई तो आ गई भाई। बढ़िया बढ़िया तरीके के ड्राई फ्रूट्स आप देख सकते हैं, ये हमने कभी नहीं देखे दिल्ली में। आप मिक्स करके भी ले सकते हो, मिक्स करके भाई तो स्नैपचैट के वाले जॉलाइन वाले फिल्टर नहीं दिल्ली में भाई, ब्लूबेरी है नहीं सब, वो तो ठीक है एक बार सब मिक्स करके ले रहे हैं। ये कौन सा ब्लूबेरी है, ये प्लम है, प्लम 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 भाई, ये सारे आप लोगों को लेने हैं तो कमेंट करके बताओ, मैं सबके घर पे भिजवा दूंगा, खिलाने जरा इसमें कुछ होगा भाई, मैं स्नैपचैट फिल्टर से दूर जा रहा हूँ। कैसा आम है, मेरे को तो लग रहा है इसमें वो है, ये सही आम है भाई, ये जो आम दी इन्होंने रबड़ सी लग रही है, मेरे को तो लग रहा है उसमें फ्लेवर एडेड है और उसको जमाया है और फिर बनाया है भाई वो जाना, ये ओरिजिनल नहीं होता। अबे ले चार पे बनाते हैं मिठाई, हट पे। तो आम कैसा था, एक मिनट सुनो तो सही, आम कैसा था, बनाने में ज्यादा खर्चा लग गया, एक मिनट इतना अच्छा नहीं था, सही था, थप्पड़ ऐसा मारूंगा आके मेरे से कह रहा भाई आम खा लो, नेचुरल बोल ना खट्टा मीठा आम वो है। पैर धो के ऊपर आए, एक चप्पल नीचे गिर के मुंह पीछे का सीन देख रहा कितना तगड़ा रहा, मैं तो तेरे को देख नहीं रहा था, पीछे का सीन देख रहा था और लोग भी तेरे को नहीं देख रहे थे, पीछे के सीन देख रहे होंगे। ओ माय गॉड यार इतना तगड़ा सीन यार, भाई तुम यार रहते हो यार, तुम्हारा दिल तो बहुत साफ होगा, हमें कहाँ देखने को मिलता, हमें तो पहाड़गंज देखने पहाड़ के नाम पे पहाड़गंज और पहाड़गंज देखने को मिलता, और दूसरी चीज वो आनंद पर्वत और वो सदर, क्यों बे पर्वत है पहाड़ है, कूड़े का पहाड़ वो नोएडा से निकलते हैं जब जाते हैं, सॉरी उधर से गाजियाबाद की ओर भाई। कुछ तो मस्त बात है इस जगह की, गली गली में बात है या जगह की भाई। डल लेक पहुंच गए हैं, आप देख सकते हैं कितना सुंदर है लाइट्स के साथ, और भाई इसके साथ साथ हम होटल पहुंच गए हैं हमारे जिस डल लेक के किनारे पीछे की तरफ, थोड़ी देर में दिखा देंगे वो भी आपको। लेकिन हमने सोचा थोड़ा सी पेट पूजा कर लेनी चाहिए, थोड़ा ऐसा कुछ खा लें नॉन वेजिटेरियन हो, तो अभी हम वही फाइंड आउट कर रहे हैं, बाकी ऐसा तो कुछ दिखेगा नहीं, रात हो गई है, आपको सुबह दिखाएंगे इस चीज़ के बारे में। भाई ये नदी के किनारे दिलीप पुकारे,
हमने लिया फिश, चिकन लिया क्या हमने? चिकन मुझे भाई, मटन लिया क्या हमने? अब्दुल्ला फिश फ्राई, दो भाई थे, इनकी लड़ाई हो गई तो इन्होंने बंटवारा कर लिया शायद से भाई। यहाँ से लेके अब हम जाएंगे डल लेक के किनारे। सॉरी इतना अंदर अलाउड है? अबे इतना कंफ्यूज क्यों है बैठने के लिए? कहीं भी बैठ जाओ, जहाँ जो दिल करे। कैसा लग रहा भाई? सही है भाई। कश्मीर का होने के बावजूद भी सही लग रहा है क्या तुमको? ये तुमको बेकार लगना चाहिए क्योंकि तुम यहीं के हो ना। क्यों पंकज भाई, पंकज कुछ समझ नहीं आ रहा, पंकज इस खाने से मतलब है। क्यों पंकज क्या क्यूट स्माइल दे रहा है बे? इसको पहले भर लूंगा ना, फिर यहाँ से यहाँ काम करेगा, फिर सब कुछ बताऊंगा। तो ये बोल कहाँ से रहा है अभी? सोच के सोच के और सोच कहाँ से रहा है? वर्ड अभी थोड़ा सा खाया ना, इतनी जल्दी आ गया। फिर जब ऐसे तो पॉटी भी कर ले, पच भी गया होगा ना। अलविदा लेने से पहले एक छोटा सा गाना की पेशकश हो जाए। काजल की स्याही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरिया, केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं बीते सारा तेरी फिक्र में रहन। इतना गंदा बजा रहे हैं यार भाई, ये बहुत गंदा गा रहा है। और राहुल कॉपीराइट ना आ जाए, उसी हिसाब से एडिट करियो इसको। अच्छा गंदे इंस्ट्रूमेंट बजा दिए तो कॉपीराइटिंग ही लगा कि तुमने नहीं बजाया होगा एटलीस्ट। आखिर में क्यों दे दो भाई, ये वाइज ने बनाया यार, लेकिन ये खुद ही नहीं बोलता, अब इसलिए हम ही बोलते हैं। बोल देगा तुम कैमरे पे बोलना भाई, बहुत सारे पैसे ले रहा हूं। ठीक है भाई, एक छोटा सा रूम टूर देंगे, लेकिन उससे पहले अलविदा लेंगे। लाइक शेयर कमेंट करें, और 80% भारतीय 79 नहीं हुए भाई, धीरे धीरे करके कम करो ना, सारे के सारे सब्सक्राइब करो जितने देखते हो, और ऐसे प्यार जताते रहो, हमें हंसाते रहो और हम आपको हंसाते रहेंगे। वो कहते हैं ना, टू टीच इज टू लर्न ट्वाइस, वही रखो। और लाइक शेयर करना ना भूले, बाकी बेस्ट पार्ट बता दे। तो भाई कहाँ जाएंगे कल? रहने दो, कल ही बताना। बाय। अबे चुप हो। भाई हम अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर पाए, कैमरा व्लॉग बंद करनी से। भाई साहब फंसने वाली तो कोई बात नहीं, आइसक्रीम ऐसी खाई जाती है भाई। फिर से खा लो, एक बार खा लो, अब ऑफ कैमरा खाऊंगा, बहुत बेइज्जती होगी मेरी। देख सकते हैं जैसे कि हम रूम में पधार गए हैं, हमारा ये लो लाइट वाला रूम, ये रहा हमारा पलंग और वो रहा बाथरूम। इसी साथ व्लॉग एंड करते हैं, हमने होटल अपना होटल का टूर दे दिया है। लेकिन अगर तू फील करे यहाँ पे राहुल जो खड़ा है, तू थोड़ा सा जो रूम है ना होटल का, वो थोड़ा तिरछा है। देख रहा है, मैं तो खड़े होते ही फील कर लिया था ये चीज, और तेरे को अभी तक नहीं पता लगा था। अबे पता लग गया था भाई, ये सैमसंग की ऐड नहीं है जैसे आप देख सकते हो, और इतना अच्छा प्यारा डल लेक का व्यू आ रहा है, देखिए देखो। तो फाइनली सब्सक्राइब कर दो यार, और मैं जा रहा हूँ सोने। बाय।